और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओवा जो आएगा उससे स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन है, इसको हम पूरा डिटेल में यहाँ बताने जा रहे हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा इवेंट आएगा, इम्प्लांटेशन, और उसके बाद जो तीसरा हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा प्लेसेंटा फॉर्मेशन, यानी प्लेसेंटा क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं और इस चीज को देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए जो ओवा रिलीज होता है ओवरी से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो आप जानते ही हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे ये ओवा रिलीज हो रहा है यहां से, और ये जो ओवा आगे रिलीज होगा ये जाएगा एम्पुला रीजन में। एम्पुला रीजन आपको बताया जा चुका है पहले की वीडियो में जहां पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी, वहां आपको एम्पुला पूरा बता दिया था कि एम्पुला क्या होता है। तो एम्पुला रीजन में जैसे ही ये पहुंचेगा और इधर कॉपुलेशन हो गया है, कॉपुलेशन मतलब मेल ने अपना स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसेमिनेट कर दिया है, यानी कि इजेकुलेट कर दिया है, इजेकुलेट होना यानी यहां पे स्पर्म का आ जाना। अब ये स्पर्म यहां से मूव करके पहुंचेगा इस एम्पुला रीजन तक और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कितने देर में होता है ये, लगभग 24 घंटे के अंदर ही काम हो जाता है आफ्टर कॉपुलेशन। यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम जायगोट कहेंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो स्ट्रक्चर बना उसे क्या बोला हमने, जायगोट। तो जायगोट जो फॉर्म हो जाता है वो 24 आवर के अंदर यहां जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेल में 23 और फीमेल में 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो जायगोट में 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो मेल गैमीट कौन सा होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमीट कौन सा होता है, ओवा। तो यहां गैमीट लिख देते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं जायगोट। ये जायगोट रैपिडली यहां डिवाइड होना शुरू करेगा और डिवाइड होते होते मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेगा, और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यहां इसकी एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की एंडोमेट्रियम, और ये आगे की तरफ मूव करता रहेगा देखिए, और यहां तक आ जाएगा और यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से में ये इन्वेजिनेट होगा, और इन्वेजिनेट होके ये इन्वेजिनेशन यानी कॉन्टैक्ट बनाना क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन, यानी यूट्रस की लाइनिंग से इंटैक्ट हो जाएगा, तो उसे क्या बोल देंगे, इम्प्लांटेशन। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है। तो आपके एनसीईआरटी में एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है, द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो स्पर्म है वो यहां से आगे जाएंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू और आगे की तरफ जाके यहाँ पे फ्यूज करेंगे। वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। जहां पे ये एग को एनकाउंटर करेंगे यानी यहाँ पे आके एग से फ्यूज होंगे, और फ्यूजन के बाद यहाँ क्या होगा तो देखते हैं आगे की तरफ। द फर्टिलाइज एग द जायगोट, अब क्या हुआ, फर्टिलाइज एग को हम क्या बोल रहे हैं, जायगोट आपको दिख रहा होगा। तो फर्टिलाइज एग है जिसे हम जायगोट बोल रहे हैं, ये क्या करेगा, गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग, और ये यूट्रस की लाइनिंग में अंदर की तरफ इम्प्लांट हो जाएगा और यहां डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और डिवाइड होते 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 एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोल देंगे। We have seen the earlier sections that mother's body is designed to undertake the development of the child. अब क्या होगा? Hence the uterus perhaps prepares itself. Uterus prepares itself every month to receive and nurture the giving growing embryo. तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि हर मंथ यानी हर 28 डे के ऊपर ये यहाँ पे डेवलप करेगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आप पढ़ेंगे तो ये हर 28 डे पे ये यूट्रस अपने आप को मेंटेन करेगा कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नर्चर कर सके यानी नरिशमेंट दे सके। लेकिन कब ऐसा होगा, जब फर्टिलाइजेशन
हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये सारी चीजें आपको हम लोगों ने जो देखी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोगों ने बात करी फर्टिलाइजेशन की। अब बात करेंगे, इम्प्लांटेशन भी देख लिया यहीं पे, अब बात करते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन की। तो देखिए प्लेसेंटा क्या होता है, ये कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग फीटस। तो ये फीटस और मदर के बीच एक कनेक्शन है, ये डिस्क लाइक कनेक्शन होता है यहाँ पे अगर आप देखिए, और इसी से ही ये जो डेवलपिंग फीटस है, ये जो एम्ब्रियो है, आगे चल के फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक बेबी का फॉर्मेशन अंदर कर लेगा। और ये जो बेबी बनेगा ये मदर से कनेक्ट रहता है इस कनेक्शन के थ्रू, जिसमें मदर की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होगी और इसकी भी लाइनिंग होगी। तो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग्स हैं, तो यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग्स हैं वो कौन सी है, ये आपका यूट्रस हो गया, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हो गई, और जो फीटस है, इस फीटस के जो पार्ट है, जो अभी एम्ब्रियो है, बेसिकली ये एम्ब्रियो जो है ये यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके अंदर धंसा रहा है, और इस प्रोजेक्शंस को कहते हैं विलाई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहलाते हैं विलाई। तो ये हो गया विलाई और ये मदर की हो गई एंडोमेट्रियम। तो विलाई और एंडोमेट्रियम ज्वाइंटली फॉर्म्स प्लेसेंटा। तो ये कनेक्शन है, इसी के थ्रू ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और साथ ही साथ जो एम्ब्रियो में एलिमिनेशन है, यानी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, वो ये फीमेल्स के अंदर रिलीज करेगा। साथ ही साथ प्लेसेंटा से प्रोटेक्शन भी मिल रहा है इसको, क्योंकि एंटीबॉडीज भी यहां से इसको मिलती रहती हैं। तो इस तरीके से यहां से प्लेसेंटा जो होता है ये एक कनेक्शन है। आपको यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिखाया गया है, पैराग्राफ में काफी कुछ लिखा हुआ है, आपका देख सकते हैं आप इसमें कि कह रहे हैं कि द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। दिस इज अ डिस्क व्हिच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। देखिए हमने बताया कि ये विलाई है जो कि एम्ब्रियो साइड पे है, आपको दिख रही है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ऑन मदर्स साइड आर ब्लड स्पेस व्हिच सराउंड्स द विलाई। और मदर की साइड पे ये ब्लड स्पेस है जो सराउंड करते हैं इस विलाई को, देखिए चारों तरफ से घेरे हुए हैं ये ब्लड स्पेसेस, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से दिखाया हुआ है कि ये ब्लड स्पेसेस हैं जो सराउंड कर रहे हैं विलाई को। इसके बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, इसके बाद ये कह रहा है पैराग्राफ में, दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। और कह रहा है कि जब डेवलपिंग एम्ब्रियो है यहां से ये प्लेसेंटा में अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रिमूव कर देगा। इसके बाद ये लोग बता रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट मदर के अंदर लगभग 9 मंथ का होता है, तो प्रेगनेंसी पीरियड लगभग 9 मंथ का होता है, ये 9 मंथ में चाइल्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। और कैसे एक्सपेल होता है, तो आपको बता दें एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है मस्कुलर होती है और इसमें विग्रस कंट्रैक्शन हो सकते हैं, जब कंट्रैक्शन होंगे तो इन कंट्रैक्शन के थ्रू ये इसे एक्सपेल आउट कर देगा, बाहर की तरफ निकाल देगा, और उसे कहते हैं पार्चुलेशन। तो बाहर की तरफ रिमूवल जो हो रहा है डेवलपिंग इसका फर्टिलाइज एग जो हो गया और ये एम्ब्रियो बन गया और जो फीटस हो गया इसको बाहर निकालना, इजेक्शन ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुलेशन, और ये पार्चुलेशन हो जाता है। और इसी के साथ अब लैक्टेशन का पार्ट आ जाता है कि लैक्टेशन क्या होता है। हम लोगों ने सारी बातें कर ली यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो अलग है, आप देख सकते हैं उसको, लास्ट में आपको दिख जाएगा या नीचे लिंक मिल जाएगा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी लिंक मिल जाएगा पूरा, और साथ ही साथ ये फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा फॉर्मेशन की भी हम लोगों ने पूरी यहाँ चर्चा कर ली। वीडियो को पसंद आ रही है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू।